हेलो, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज डीसी ट्रांसमिशन एंड व्हाट इज एसी ट्रांसमिशन, है ना। उसका डायग्राम बना के हम देखे थे क्या होता है डीसी ट्रांसमिशन और क्या होता है एसी ट्रांसमिशन। वो किक रूज में देखिएगा तो आपको एसी ट्रांसमिशन में क्या करते थे हम लोग कि आपका जनरेटिंग स्टेशन में जो भी वोल्टेज जनरेट होता था, जो भी पावर आपका जनरेट होता था, उसको स्टेप अप करके बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिट करते हैं और फिर से स्टेप डाउन करके हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं और फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो बिग कंज्यूमर है वहाँ पावर को ट्रांसमिट करते हैं, है ना। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से सभी कंज्यूमर को, है ना, जिसको चाहिए पावर वहाँ से आपको पावर जाती है। उसी तरह आपका डीसी ट्रांसमिशन में था कि हम लोग पावर को डीसी पावर को हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, है ना, बल्क अमाउंट ऑफ पावर को जनरेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते थे कि एसी पावर को जनरेट करते थे और उसके बाद ट्रांसफार्मर जब का लगाता था उसके बगल में, तो उसको वोल्टेज का स्टेप अप करते थे, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे रेक्टिफायर का। उसके बाद डीसी पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते थे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, है ना। उसके बाद फिर एट द रिसीविंग एंड पे हम लोग फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को डाउन करते थे, है ना, वोल्टेज को स्टेप डाउन करते थे। उसके बाद आप कंज्यूमर के पास फिर से पहुंच जाते थे, है ना। तो आज देखेंगे, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंपैरिजन या कंपैरिजन बिटवीन डीसी ट्रांसमिशन एंड एसी ट्रांसमिशन। दोनों में क्या कंपैरिजन है, कौन सा बेस्ट चॉइस होगा और कब होगा, है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले जो पॉइंट आएगा, पहला आपका आएगा कॉस्ट या इकोनॉमिक्स, है ना। पहला आपका क्या है? कॉस्ट, है ना। और सेकेंड आपका टेक्निकल है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दोनों को आप कंपेरिजन कीजिएगा, सबसे पहले आपका पता है कि कॉस्ट किसका कॉस्ट ज़्यादा है, किसका कॉस्ट कम है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा सुटेबल है या दोनों का अपना एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट का दो टाइप का होता है ना, दोनों का। एक हो गया इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, और सेकेंड होता है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, है ना। दो पॉइंट हो गया, एक पर हो गया इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, सेकेंड हो गया आपका ऑपरेशनल कॉस्ट। कॉस्ट में तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, जब पावर को आप जनरेट करते हैं वहां से जो किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, मान लो आपको पावर को ट्रांसमिट करना है, तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या लगेगा, क्या क्या मतलब उसके लिए हमको करना पड़ेगा। तो पहला वो क्या करना पड़ेगा, एक टावर चाहिए, एक पोल चाहिए, है ना, टावर और एक पोल चाहिए। उसका फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका टावर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में पहला क्या क्या आ जाएगा कि आपका जो टावर है ना, उसका लोकेशन, उस जो आपका जहाँ टावर लगाया उसका फाउंडेशन में कितना कॉस्ट लगेगा, है ना, फाउंडेशन में, फिर टावर का इंस्टॉलेशन में कितना लगेगा। तो राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे मतलब किस वे में आप टावर को इंस्टॉल किए हैं, है ना। उसके बाद कंडक्टर का कॉस्ट, उसके बाद क्या आता है, कंडक्टर का कॉस्ट। कंडक्टर का कॉस्ट क्या है, तो जो आप कंडक्टर ट्रांसमिशन लेना है उसका कॉस्ट क्या होगा, किस मटेरियल का बना हुआ है तो किस उसका कॉस्ट कितना होगा, है ना। फिर आपका क्या लगा रहता है उसमें, टावर के बाद, कंडक्टर के बाद आपका इंसुलेटर क्या जो होता है, मेनली आपका इंसुलेटर, इसको आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में लेना है, इंसुलेटर, है ना। और टर्मिनल इक्विपमेंट, टर्मिनल इक्विपमेंट जो आपका होगा डीसी ट्रांसमिशन के लिए अलग होगा और एसी ट्रांसमिशन के लिए आपका अलग होगा, टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है, टर्मिनल इक्विपमेंट हम बताएंगे। और ऑपरेशनल कॉस्ट में आपका क्या होता है, मेनली लॉसेस, मेनली क्या होता है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट में, मेनली लॉसेस, लॉसेज ड्यू टू कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन, लॉसेज ड्यू टू कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। कोरोना लॉस हो सकता है, कोरोना लॉस हो सकता है, और जो भी आपका टर्मिनल इक्विपमेंट है ना, उसका कुछ ना कुछ लॉस होगा, है ना, सम एक्स्ट्रा लॉस, सम एक्स्ट्रा लॉस। ये आपका किस आता है, आपका है ऑपरेशनल लॉस। अब जो आपका टर्मिनल इक्विपमेंट है डीसी ट्रांसमिशन के लिए अलग होता है और एसी ट्रांसमिशन के लिए अलग होता है,
टर्मिनल इक्विपमेंट जो आपका है, टर्मिनल इक्विपमेंट जो आपका है डीसी ट्रांसमिशन के लिए अलग होता है और एसी के लिए अलग होता है टर्मिनल इक्विपमेंट। तो आपका एसी ट्रांसमिशन में क्या क्या होता है टर्मिनल इक्विपमेंट? एसी ट्रांसमिशन में आपका टर्मिनल इक्विपमेंट क्या क्या होता है? तो आपका टर्मिनल इक्विपमेंट जो आपका होता है एसी ट्रांसमिशन में मेनली होता है रिएक्टर और कैपेसिटर। रिएक्टर और कैपेसिटर, और ये दोनों काम क्या है? जब वोल्टेज अप एंड डाउन हुआ तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे परमिसिबल वोल्टेज लेवल पे पहुंचाने के लिए, है ना, मतलब वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा ना हो, है ना, रिसीविंग एंड पे। अगर रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया, मतलब वोल्टेज का ज़्यादा बढ़ना या वोल्टेज का कम होना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिएक्टर और कैपेसिटर। एक्चुअली ये बेसिक टॉपिक आपका है सैग का, और सैग मतलब वो नहीं, ट्रांसमिशन लाइन मतलब सैग नहीं, वोल्टेज को जब डाउन होता है और वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हम लोग वहाँ पे रिएक्टर और कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर वोल्टेज डाउन हो गया, तो वोल्टेज को लेवल पहुँचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका? कैपेसिटर का। और रिएक्टर का जहाँ ज़्यादा वोल्टेज है, जहाँ पे ओवर वोल्टेज है, तो सेम लेवल में वोल्टेज आने के लिए क्या यूज़ करते हैं? रिएक्टर का। लोग देखेंगे फिर एंटी इफेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए सीटअप का टॉपिक है। एसी ट्रांसमिशन आपका मेनली टर्मिनल इक्विपमेंट होता है आपका रिएक्टर और कैपेसिटर। ट्रांसफार्मर तो ऑलरेडी रहता ही है दोनों में, डीसी ट्रांसमिशन में भी रहता है और एसी ट्रांसमिशन में रहता है, तो उसका कोई इज नहीं है, उसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, दोनों में रहता है। तो यहाँ पर रिएक्टर हो गया और यहाँ पर मेनली टर्मिनल इक्विपमेंट क्या होता है? कैपेसिटर। तो दोनों का कॉस्ट क्या होगा? फिर आपका हो गया डीसी ट्रांसमिशन में क्या क्या होगा टर्मिनल इक्विपमेंट? डीसी ट्रांसमिशन में आपका टर्मिनल इक्विपमेंट क्या होगा? कन्वर्टर। आपने देखा होगा हमने यूज किया था रेक्टिफायर और थायट्रोन। तो रेक्टिफायर काम क्या था इसके लिए? एसी टू डीसी में, थायट्रोन का काम क्या था आपका? डीसी टू एसी कन्वर्ट करने में। तो आपका जो कन्वर्टर लगता है वो कन्वर्टर के अंदर ही आपका रहता है 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर या जो भी रहता है ना, तो आपका कन्वर्टर के अंदर, कन्वर्टर करने का मतलब जस्ट लाइक आपका इसमें हो गया रेक्टिफायर और आपका इन्वर्टर है ना, या फिर फिल्टर इसमें लगा रहे हैं, रिएक्टिव पावर कंपनसेटिव डिवाइस। तो ये आपका बेसिकली टर्मिनल इक्विपमेंट में आता है। किसमें आता है आपका? टर्मिनल इक्विपमेंट में आता है। तो आप अब देखेंगे आपका है ना कि आपका इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होता है, किसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, मतलब इसका राइट ऑफ वे कंडक्टर इंसुलेटर का, इसका जो कॉस्ट होता है ना लेस होता है किसके लिए? डीसी के लिए। किसके लिए होता है आपका? डीसी के लिए। और आपका जो टर्मिनल इक्विपमेंट होता है, टर्मिनल इक्विपमेंट आप देखो सकते हैं, ओनली रिएक्टर और कैपेसिटर चाहिए, इसका कॉस्ट कम होता है किसके लिए? एसी ट्रांसमिशन के लिए। एसी अगर फॉर ए पर्टिकुलर गिवन लेंथ के लिए, गिवन अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर करना है, कंपेरिजन के लिए आप अगर गिवन लेंथ लिए, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको मान लो कि पावर को ट्रांसफर करना है, और पर्टिकुलर पावर को मतलब पावर सेम होना चाहिए और लेंथ सेम होना चाहिए, कंपेरिजन करने के लिए पावर सेम होना चाहिए और लेंथ सेम होना चाहिए, तो उस केस में आपका जो टर्मिनल इक्विपमेंट का कॉस्ट आएगा एसी ट्रांसमिशन में कम आएगा, है ना, और आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में राइट ऑफ वे कंडक्टर और इंसुलेटर का जो कॉस्ट आएगा पार्टिकुलर लेंथ के लिए और पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर के लिए, तो उसमें आपका जो कॉस्ट आएगा किसके लिए आपका आएगा? कम आएगा डीसी के लिए। किसके लिए? डीसी के लिए। किसके लिए आपका? डीसी के लिए। तो एक कर्व होता है, एक कर्व होता है आपका है यहां तक का हो गया कॉस्ट, यहां तक का क्या हो गया कॉस्ट, और यहां पर ट्रांसमिशन लाइन चल रही है, इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक पॉइंट। सो क्या कहते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेक पॉइंट। अगर लेंथ यहाँ पे 500 किलोमीटर और 800 किलोमीटर है, किसी किसी बुक में 500 किलोमीटर, किसी किसी बुक में 800 किलोमीटर है, तो 500 से 800 के बीच में, 500 बिटवीन 500 एंड 800, बिटवीन 500 एंड 800 है ना, ये आपका डीसी के लिए हो गया और ये आपका घर पे जो एसी के लिए। तो मैंने क्या बोला
कि 500, देखो ये एसी के लिए है तो ये भी एसी के लिए होगा, ये एसी के लिए तो ये भी एसी के लिए और ये भी आपका डीसी के लिए। तो अगर लेंथ, यहाँ से कंक्लूजन क्या लिखेगा कि लेंथ अगर लेस देन 500 किलोमीटर है, लेस देन, यहाँ देखो और यहाँ से 500 और 800 के बीच में तुमने जूम किया है, 500 यहाँ पे जीरो है देखो एक्सिस, तो अगर 500 से लेंथ कम है तो कौन सा इकोनॉमिकल हो गया, एसी ट्रांसमिशन आपका इकोनॉमिकल हो गया। आपको मेनली यही याद रखना है एसी ट्रांसमिशन आपका इकोनॉमिकल हो गया, एसी ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल। अगर लेंथ आपका कितना 500 किलोमीटर से कम होगा तो, और अगर आपका लेंथ ग्रेटर देन 500 किलोमीटर है, ग्रेटर देन 500 किलोमीटर है तो आपका देखो कौन सा इकोनॉमिकल आपका होगा, डीसी ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल, डीसी ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको याद रखना क्या है, ये कर जा सकता है कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे पार्टिकुलर लेंथ के लिए, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर करना है तो अगर 500 किलोमीटर से कम का लेंथ है फिर पावर ट्रांसफर करना है तो आपका एसी ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल। अगर लेंथ ग्रेटर देन 500 किलोमीटर पे है से ज़्यादा भी पावर ट्रांसफर करना है तो आपका डीसी ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल, डीसी ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल। तो आपको मेनली उतना ख्याल नहीं रखना है क्या टर्मिनल इक्विपमेंट क्या याद रखो तो बेटर है, लेकिन मेनली आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है कंपेरिजन के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंपेरिजन हो सकता है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंपेरिजन हो सकता है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंपेरिजन हो सकता है। तो पहले हम देख रहे हैं डीसी ट्रांसमिशन, पहले हम क्या देखें डीसी ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन। तो डीसी ट्रांसमिशन में मेनली दो ही वायर होता है, कितना वायर होता है आपका एडवांटेज इसका कि डीसी ट्रांसमिशन आपने देखा होगा दो ही वायर होता है, एक आपका इनकमिंग और सेकेंड आपका रिटर्न कनेक्टर, दो कनेक्टर ही होता है, एक आपका इनकमिंग कनेक्टर और एक आपका रिटर्न कनेक्टर होता है, जबकि डीसी ट्रांसमिशन में तीन वो यूज होता है, इसमें तीन फेज होता है आर फेज बाई फेज और बी फेज, तो थ्री वायर इसमें यूज होता है, थ्री कनेक्टर इसमें होता है, इसमें दो कनेक्टर यूज होता है ठीक है ना, इसमें दो कनेक्टर आपका यूज होता है। तो कनेक्टर का कॉस्ट के हिसाब देखोगे तो इसमें कॉस्ट कम खर्च होगा और उसमें ज़्यादा खर्च होता है ना। तो आपका इसमें डीसी ट्रांसमिशन में दो कनेक्टर यूज होता है और एसी ट्रांसमिशन में आपका तीन कनेक्टर यूज होता है, तो उसमें थ्री फेज होता है आर फेज बाई फेज और पी फेज, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा कि डीसी में आपका ना इंडक्टेंस इफेक्ट आता है ना कैपेसिटेंस इफेक्ट आता है, ना इंडक्टेंस होता है ना कैपेसिटेंस होता है डीसी में है ना, देयर इज नो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है ना, इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट भी आपका नहीं होता है, डीसी में आपका फेज डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होता है, डीसी में आपका फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो कोई इंडक्टेंस नहीं होता है इसमें ना फेज ना कैपेसिटेंस होता है और ना कोई फेज डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जबकि एसी में होता है। अगर डीसी में इंडक्टेंस नहीं होता है इसके कारण जो ड्रॉप होता है, इसके कारण जो ड्रॉप होता है वो ड्रॉप भी नहीं होगा इसमें डीसी ट्रांसमिशन में, तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होगा, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है एज कंपेरिजन टू एसी, एज कंपेरिजन टू एसी ट्रांसमिशन। थर्ड आप देखेंगे हम लोग कि इसमें आप एक यूनिट नंबर थर्ड लोग देखेंगे हम लोग स्किन इफेक्ट और कोरोना इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट और कोरोना इफेक्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना है ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन है, इसका पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो स्किन इफेक्ट इसमें नहीं होता है डीसी में, जबकि एसी में होता है, जबकि एसी में होता है, इसमें स्किन इफेक्ट में आपका डीसी में नहीं होता जबकि एसी में होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली जो आपका जो है एसी में आपका जब करंट जाता है कनेक्टर में तो बेसिकली वो आउटर सरफेस पे करंट फ्लो करता है, इनर सरफेस पे करंट बहुत कम जाता है, उसकी वजह से आपका इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है कनेक्टर का वो बढ़ जाता है, वो क्या होता है बढ़ जाता है, वो लोग देखेंगे डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली आपका क्या है कि स्किन इफेक्ट डीसी में नहीं होता जबकि एसी में होता है। कोरोना लॉस आपका डीसी में बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू एसी, एज कंपेरिजन टू एसी है ना। और आपका इसमें आपका जो कम्युनिकेशन लाइन के साथ आपका जो इंटरफेरेंस होता है ना, जिसके कारण आवाज़ आती है नॉइज आती है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू एसी, एज कंपेरिजन टू एसी है ना, एज कंपेरिजन टू एसी। और बताइए क्या क्या हो सकता है।
एक आपका लास्ट है एडवांटेज में जो आपको मेनली पावर सिस्टम का टॉपिक है, स्टेबिलिटी उसके रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या एडवांटेज है उसमें, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक हमको पढ़ना हो है इक्वेशन, आपको पढ़ना होगा इसमें भी सिंक्रोनस मशीन में बी इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा इंटू साइन डेल्टा। ई पी आपका हो गया रियल पावर, ई हो गया आपका मान लो आपका दो लोड है, यहाँ का वोल्टेज मान लो ई एट एंगल डेल्टा कॉम्प्लेक्स में लिख रहे हैं और यहाँ का वोल्टेज मान लो बी एट एंगल जीरो है, बी एट एंगल जीरो। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है मान लो, जिसका आपका रिएक्टेंस जे एक्स है, क्या आपका जे एक्स है ना। मान लो कि ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है और आपका ये लोड है, लोड है, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, या मान लो कि आपका लोड है, लोड कंज्यूमर के पास आपका है, तो यहाँ का वोल्टेज को मैंने रेफरेंस माना है, बी एट एंगल जीरो है और आपका ई एट एंगल डेल्टा है ना। सबको निकालना है कितना पावर अमाउंट ऑफ पावर आपका ट्रांसफर होगा फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन से टू द लोड, टू द लोड पर, या फिर बस नंबर वन से बस नंबर टू, बस नंबर वन से बस नंबर टू है ना। इसको बस नंबर वन मान सकते हैं, इसको बस नंबर टू मान सकते हैं है ना। बस करने का मतलब जस्ट जहाँ पे एक वोल्टेज लेवल है ना। यहाँ पे मान लो कि आप अगर इसमें दिक्कत हो रहा है बस वाले में, तो आप सब समझो भाई आपका कि आपका क्या आपका ये जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है, पावर जनरेट होता है, और आपका ये आपका बस नंबर टू है जहाँ पे आपका लोड है कंज्यूमर के पास है, तो उसका वोल्टेज मान लो बी एट एंगल जीरो है और जहाँ पावर जनरेट हो रहा है वहाँ पे ये एट एंगल डेल्टा है, और आपका ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो है हमने जूम किया है, और आपका ये रिएक्टेंस है, क्या आपका है रिएक्टेंस है, तो जे एक्स आपका क्या जे एक्स, क्योंकि आपने जानते हैं ना इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है आर प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स, आर का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो इम्पीडेंस इक्वल टू क्या हो गया आपका जे एक्स, जे एक्स। तो यहीं से ये इक्वेशन निकाला होगा, आप भी निकाल सकते हैं, यहाँ से पहले आप करंट निकाल लो, क्या निकाल लो करंट निकाल लो, तो ए सी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी इंटू आई कंजुगेट, लोड साइड का वोल्टेज निकालना है, लोड साइड का पावर निकालना है तो बी इंटू आई कंजुगेट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं है ना। पहले करंट निकाल लेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट निकाल सकते हैं जो इतना आपका वोल्टेज चेंज लेवल चेंज हो रहा है, ये एट एंगल डेल्टा माइनस बी एट एंगल जीरो डिवाइड बाई एक्स एट एंगल 90 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं है ना। फिर बी से मल्टीप्लाई का कंजुगेट निकाल के बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पी निकल जाएगा, पावर कितना पावर अमाउंट ऑफ ट्रांसफर हो रहा है लोड है ना। तो देखो इसमें क्या आपका है, ई तो फिक्स है, बी एक्स ठीक है, ये डेल्टा जो आपका इसको कहते हैं पावर एंगल, क्या कहते हैं आपका पावर एंगल, तो डेल्टा का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, डेल्टा का आपका क्या है लिमिटेशन है कि डेल्टा का वैल्यू एसी केस में 80 से 85 के बीच में होना चाहिए, 80 से 85 डिग्री के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सिंक्रोनिज्म लूज कर देता है, क्या कर देता है सिंक्रोनिज्म लूज कर देता है, मतलब सिस्टम अनस्टेबल के मोड में चला जाता है, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो देयर इज नो ऐसा कोई फेनोमेना आपका डीसी ट्रांसमिशन में नहीं है, ऐसा कोई फेनोमेना आपका डीसी ट्रांसमिशन में नहीं है। इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाई स्टेबिलिटी, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाई स्टेबिलिटी, जबकि एसी ट्रांसमिशन में आपका जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो आपका रिस्ट्रिक्शन है किसके द्वारा, स्टेबिलिटी के द्वारा, कि आपका डेल्टा का जो वैल्यू आपका है स्टेबल होने के लिए आपका 80 से 85 डिग्री के बीच में होना चाहिए है ना, जबकि ऐसा कोई फेनोमेना आपका डीसी में नहीं है, है ना, डीसी में आपका नहीं है, तो ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है डीसी में है ना। नेक्स्ट आपका हो गया डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, तो डिसएडवांटेज क्या आपका है कि बल्क अमाउंट ऑफ या हाई अमाउंट ऑफ पावर हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, जनरेट डीसी में नहीं कर सकते है ना, क्यों, क्योंकि इसमें जब आपका कन्वर्टर लगता है उसका कम्यूटेशन का इशू हो जाता है, कम्यूटेशन का इशू हो जाता है, तो कम्यूटेशन प्रॉब्लम इसमें हो जाता है ना। तो हाई अमाउंट ऑफ पावर ये मतलब हाई वोल्टेज या हाई बल्क अमाउंट ऑफ पावर हम लोग डीसी से जनरेट नहीं कर सकते, डीसी जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जनरेट करते हैं एसी में, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं डीसी में बाय यूजिंग ऑफ रेक्टिफायर, सो कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी से एसी, डीसी से एसी, तो ये पहला आपका डिसएडवांटेज है। जबकि एसी में क्या कर सकते हैं हम लोग, हाई अमाउंट ऑफ पावर या बल्क अमाउंट ऑफ पावर हम जनरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन डीसी में नहीं कर सकते हाई वोल्टेज है ना, हाई डीसी वोल्टेज को जनरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि एसी में हम लोग कर सकते हैं है ना। तो एसी का एडवांटेज हो गया और डीसी का डिसएडवांटेज हो गया। सेकेंड क्या है कि
कि डीसी वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते, जबकि एसी में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हाई वोल्टेज को। लो वोल्टेज को तुम लोग करते हैं ऑलरेडी चॉपर से, आप देखिए पढ़ेंगे आगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का नाम, उसमें आपका है चॉपर, है ना, तो वे फिक्स वोल्टेज को चेंज करते हैं, है ना। इसमें क्या आपका है कि आपका डिसएडवांटेज क्या पहला हो गया कि हाई डीसी वोल्टेज को जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि कम्यूटेशन प्रॉब्लम आता है। कम्यूटेशन किसमें होता है आपका कन्वर्टर में, किसमें कम्यूटेशन में। सेकेंड आपका क्या डिसएडवांटेज हो गया कि आपका जो हाई डीसी वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते, जबकि एसी में हाई वोल्टेज हाई एसी वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, बाय द यूजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। थर्ड डिसएडवांटेज क्या कि आपका जो डीसी स्विच और सर्किट ब्रेकर लगता है, डीसी स्विच और डीसी सर्किट ब्रेकर, उसका अपना कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, जो क्या आपका है लिमिटेशन है। तो ये सब इसका क्या है डीसी ट्रांसमिशन में क्या है डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। अब एसी ट्रांसमिशन में क्या होगा एडवांटेज क्या होगा कि हाई वोल्टेज हाई एसी वोल्टेज को हम लोग जनरेट कर सकते हैं और हाई एसी वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज से मिलने क्या है, हमने देखा था अभी, उसमें आपका स्किन इफेक्ट नहीं होता, जबकि एसी में स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट होने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हम लोग देखेंगे आप डिटेल से देखेंगे स्किन इफेक्ट क्या होता है। अभी आपको याद रखना है कि स्किन इफेक्ट होने से इसमें इफेक्टिव आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, उसके कारण लॉस इंक्रीज हो जाती है एज कंपेरिजन टू डीसी, यानी इसमें लॉस ज़्यादा होता है किसमें एसी ट्रांसमिशन में, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस इफेक्ट भी होता है उसकी वजह से भी लॉस होती है, ठीक है ना। तो मेनली आपका यही आपका कंपेरिजन था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे यूनिट नंबर आपका सेकेंड, उसको डिटेल से देखेंगे फिर क्या क्या आ गया, ठीक है।